आप एक सर्कस में हो और अलग अलग प्रकार के परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हो। कोई मुंह से आग छू रहा है तो एक क्लाउन मुंह से जिंदा इंसेक्ट्स निकाल रहा है। एक ब्यूटीफुल औरत जिसके सर पर सुंदर फ्लावर्स है। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है कि तभी आप एक स्टीम रैम को देखते हो जिसके ठीक ऊपर एक बड़ा सा मोटरसाइकिल है जो अचानक तेजी से आपकी ओर आने लगता है आपके मुंह का भरता बनाने। लेकिन तभी आप एक आदमी को देखते हो जो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस मोटरसाइकिल को निगल लेता है। फिर वो आदमी इधर उधर देख कर बोलता है, होप यू आर एंजॉयिंग द शो। आज हम एक इंटरेस्टिंग एससीपी के बारे में जानने वाले हैं, जिसे एससीपी की भाषा में बुलाया जाता है SCP-2094। SCP-2094 को मोटर माउथ बुलाया जाता है। उसकी एज करीब 40 साल की है और उसके पेट पर सर्कस के टैटूज है। SCP-2094 इंग्लिश में बात करता है और वो बहुत ही टैलेंटेड है। वैसे तो इसका नाम है मोटर माउथ, बट हम इसे बुलाएंगे जेम्स। याद रखना जेम्स। जेम्स और हम में सब कुछ सेम है सिवाय उसके मुंह के, जो 2 मीटर तक लंबा हो जाता है और उसमें वो कुछ भी डाल सकता है जो एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। आप और मैं तो अपना हाथ भी मुंह में नहीं डाल सकते हैं और ये तो पूरा का पूरा प्लेन ही निकल ले। वैसे क्या आपको पता है जेम्स को मोटर माउथ क्यों कहा जाता है? अबे बंदर के भतीजे, अगर हमें सब पता होता तो तेरी वीडियो क्यों देखते। पॉइंट है, जेम्स का नाम मोटर माउथ पड़ा क्योंकि वो बोलता बहुत है। तुम लोग मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया है। तुम लोग क्या करना, सर्कस जब शुरू होगा मेरा मुंह खींच देना और एक कार को, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर मधुमक्खी छोड़ दूंगा अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो। ओ हाँ, मुझे भी लगता है मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। इनफैक्ट बचपन में भी सब यही बोलते थे। बाय द वे, मैं ये कह रहा था कि तुम मेरा मुंह खींचोगे। प्लीज चुप हो जा। अभी जेम्स एससीपी फाउंडेशन के अंदर है और उसे बहुत ही अच्छा और एक्सपेंसिव सामान दिया जाता है, पर ना तो उसे कभी पकड़ा गया और ना ही उसने सरेंडर किया। तो भला एससीपी फाउंडेशन में वो आया कैसे? दरअसल जेम्स को उसके ही सर्कस के फैमिली मेंबर्स ने एससीपी फाउंडेशन के बाहर उसे छोड़ दिया था। जेम्स काफी गरीब घर में पला बड़ा। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पापा घर छोड़कर चले गए और उसकी माँ उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। जब जेम्स की माँ को उसके बिग माउथ के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे घर पर ही बंद कर दिया ताकि वो किसी इंसान को खा ना जाए। जेम्स को बहुत गुस्सा आता था इन सब से, इसीलिए वो बाहर से सांप मकड़ी और बिच्छू छोड़ देता था घर के अंदर। एक रात जब जेम्स की माँ सो रही थी तो एक टेढ़ा सर वाला आदमी आया जिसका नाम है मैनी। तुम और मैं घर में बंद रहने के लिए नहीं बने हैं, हम बने हैं दुनिया को हंसाने, उन्हें एंटरटेन करने, उन्हें डराने। जेम्स को मैनी की बातें जादू जैसी लगी और वो बिना कुछ सोचे उसके साथ चल पड़ा। आओ मेरे साथ एक ऐसी जगह में जहाँ सब तुम्हें पसंद करेंगे, जहाँ स्टार कहलाओगे तुम, जहाँ तुम्हारे पास अपना परिवार होगा। जेम्स सर्कस में रहकर काफी खुश था। फाइनली उसे वो प्यार मिला जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी। कुछ दिनों बाद जेम्स ने देखा कि मैनी नए बच्चे ला रहा है सर्कस में। उसे लगा कि ये वो बेचारे बच्चे हैं जिन्हें मैनी हेल्प कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसे कुछ ठीक नहीं लगा। एक दिन वो एक न्यू मेंबर से मिला। वो लड़की के पास फ्लेक्सिबल हड्डियों की एबिलिटी थी। जेम्स उसे एक ट्रिक सिखा रहा था कि तभी वो रोने लगी कि उसे घर जाना है। फिर उसे वो सच्चाई मालूम पड़ा जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। मैनी जबरदस्ती बच्चों को सर्कस में लाता था। ये जो हो रहा है ये काफी गलत हो रहा है, बच्चे चुराना बंद कर। मैनी पीछे मुड़कर एक जोर का चाटा लगाया और बोला, मुझे मत सिखा मेरा काम कैसे करना है, मैं जानता हूँ मुझे कैसे सर्कस को चलाना है। जेम्स को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो कुछ भी करेगा लेकिन उस लड़की को बचा कर ही रहेगा। अगले दिन उसने लड़की को अपने मुँह में छुपाया और उसे घर भेज दिया। जब मैनी को इस बारे में पता चला तो उसने जेम्स को धोखेबाज कहा और सबके साथ मिलकर उसे कार की डिक्की में बंद कर दिया। और अब वो मस्त है एससीपी फाउंडेशन के अंदर, पर उसका पास्ट उसे आज भी डराता है। एक ऐसा पास्ट, एक ऐसा इंसान जिसने टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। कौन है ये?
जानिए एपिसोड 2 में।